Okay, my dear students, my fellows, in this part 2, I want to continue from where I have ended my part 1 lecture. So, since we all are having these three qualities, so we all are eligible to enter into this area. यहाँ पर मैं आपको जैसे as I have told you कि मैं कुछ राज की बातें आपको बताऊंगा, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा. यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको करनी है. अब जिस अंदाज में मैं आपको बताऊंगा, जिस तरतीब में बताऊंगा, तो थोड़ी मेहनत आपको खुद पर करनी है. याद रखें वो क्या कहते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन. तो याद रखें, लोग उम्रें गुजार देते हैं अपनी, वो अपने ऊपर काम नहीं करते. और इसी की वजह से होता क्या है कि आखिर में जब आखिरी वक्त करीब आता है तो इंसान को, दर्द का शेर है ना, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, खौफ था देखा था जो जो कुछ सुना अफसाना था. तो ये हाय हाय के सिवा कुछ नहीं रह जाता. तो याद रखें, डिसीजन कोचिंग में जो मैं आपको तरीके बताऊंगा उन तरीकों पे आपने अमल करना है. ज़्यादा नहीं, 2-4-6 महीने तक ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा. उसके बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी में न सिर्फ तब्दीली महसूस होगी, बल्कि आपके साथ जो लोग होंगे वो भी महसूस करेंगे. एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपकी पर्सनैलिटी में आएगी. जो प्रॉब्लम्स आप आज सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो आप देखिएगा कि इन प्रैक्टिसेस के बाद आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे. बल्कि यू विल लाफ ओवर योर स्टेबिलिटी कि यार क्या था हम, मतलब क्या करते थे हम. और बाकी लिटरली मैं ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टेबिलिटी, ये होता है कुछ साल के बाद इंसान को अंदाजा होता है कि कुछ अजीब व गरीब हरकतें मैं इमेच्योर किस्म की करता रहा हूँ या करती रही हूँ. तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा जहन ग्रो हो रहा है और ग्रो होने के साथ साथ वो स्मार्ट होता जाता है और हमें फिर रिग्रेट का एहसास होता है कुछ कुछ कि यार हमने कुछ कुछ चीज़ें गलत की हैं. तो इन गलतियों को मिनिमाइज करें और परफेक्शन की तरफ लेके जाएं लाइफ को. ये परफेक्शन ही कामयाबी की जानिब लीड करती है. अब हुआ क्या, जो तरीके मैंने आपको बताए, फर्ज करें कि वो मैंने आपको बता दिए, आपने उस पर अमल किया, उसके नतीजे में फायदा क्या होगा, यू विल बी अलाउड टू एंटर इनटू दिस रेड जोन. मैं ऐसे कहता हूँ रेड जोन है. अब वट एवर इज रिटन ओवर देयर, लेकिन ये आपको बता दूं, कुछ फील्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हैं. ये तो मैंने कुछ फील्ड हाईलाइट की हैं, हर फील्ड आपकी फील्ड है. और इस तरह की आपको फील्ड खुद बुलाए, बजाय इसके कि आप जाएं जॉब के लिए या अपनी सर्विसेज कहीं ऑफर करें, आपके पास वो लोग आए और वो आपकी यूं शोहरत पहुंचे कि ये काम का शख्स है या काम की खातून है, इनको फौरन हायर किया जाए. तो आप अपने टर्म्स के ऊपर किसी भी जगह किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के काबिल होंगे. मैं आपको ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं, मेरे पास नंबर ऑफ केसेस मौजूद हैं जो सक्सेसफुल केसेस हैं. आज भी लोग मुझे कहते हैं कि आपने हमें जो रास्ता दिखाया था उस पर चल के हम बहुत ज्यादा कामयाब हुए, और आज भी वो मुझे इस बात पर मेरा शुक्रिया अदा करते हैं. तो मैं ये कहता हूं उन्हें कि अगर मैंने बाहर का सफर ना किया होता, मैंने बाहर के लोगों से इंटरेक्शन ना किया होता, तो हो सकता है शायद मुझे भी ये बातें ना पता होती. तो अब अगेन अब मैं स्टार्ट करने लगा हूं कि ये डिसीजन सिस्टम हमें इंप्रूव करना कैसे. तो इट इज फॉलोड बाय वन क्वेश्चन, वेयर इज द डिसीजन सिस्टम. अब आप में से हर कोई जानता है डिसीजन सिस्टम जो सोचने समझने की सलाहियत है फैसला करने की, वो इंसान का दिमाग है, राइट. अच्छा, ये जो दिमाग है हमारा, इसके ये तो सबके पास है. और इवन अब मैं आपको बताऊं कि हाईलाइटेड है इंसान अशरफुल मखलूकात, सभी जानते हैं ना. तो क्यों है अशरफुल मखलूकात, हमारे पास दिमाग है, ये जवाब है आपका. तो वी आर मैमल्स, राइट. हमारा जो फाइलम है वो फ्रॉम मैमल्स है, राइट. अच्छा, मैमल्स के पास दिमाग है, हमारे पास भी दिमाग है. मैमल्स भी सोचते हैं, एक्ट करते हैं, हम भी एक्ट करते हैं. कुरान का अगर हवाला लें तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, यही कहा था ना कुरान में कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा भेजने लगा हूँ. तो भाई मरहला फ़िक्र तो यहीं से स्टार्ट होता है, हम और आप खलीफा हैं, खलीफा अर्ज़. तो खलीफा का मतलब क्या है, ये वर्ड कुरान का है ना, सोचें ज़रा. अब आप कहें अथॉरिटी, अमीरुल मोमिनीन, या राइट. और इसके अलावा बहुत सारे खलीफा के मतलब बहुत सारे आएंगे, डिसीजन मेकर्स भी आ जाएंगे, जो भी ये पॉलिसी मेकर या जो भी कहें आप रहनुमा कह लें, जो भी हैं. एक इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ. खलीफा का मतलब होता है अपने मेंटोर का रिफ्लेक्शन, अपने मुर्शिद का पढ़तो. मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से ये बात कह रहा हूँ, क्यों मुझे अंदाजा है कुछ लोग इस बात पर नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम खलीफा अर्ज हैं, हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, तो हम उसका रिफ्लेक्शन है. तो आप किसी वक्त भी गूगल करें सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखें, तो आपके सामने पूरी डेफिनेशन आ जाएगी. उसकी डेफिनेशन का कोर ये है कि वी ऑल आर द प्री ओमनी एग्जिस्टेंस ऑफ अलमाइटी अल्लाह. तो ऐसी तो नहीं कह दिया हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से,
हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। अब इसमें कुछ लोग जो है वो गुस्ताखी का पहलू निकालते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। सांस आ और जा रही है, तो यकीनन कोई बैठा है हमारे अंदर जो इस सांस को इन और आउट कर रहा है, तो वो कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। और यहीं से शुरू होता है हमारा वो सबकॉन्शियस का सफर, जो कि पूरा सबकॉन्शियस डोमेन है, जो मैमल्स के पास नहीं है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया, जिसे लाशऊर कहा। और यही लाशऊर कहीं ना कहीं एमबीटीआई पर्सनैलिटीज बना देता है। आपने सुना होगा एमबीटीआई के हवाले से भी मेरा एक आध लेक्चर है, पर्सनैलिटी किस तरह की है, इंसान किस तरह कौन से फील्ड में जाके फिट होता है, ये सारे शऊर, कौन सी चीज़ें खाने से बीमार पड़ेगा, कौन सी चीज़ें खाने से उसको फ़ायदा होगा, किन चीज़ों पर खुश होगा, किन चीज़ों पर उसे गुस्सा आएगा, कौन सा माहौल उसके लिए ठीक है, कौन सा माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। आज भी जीनोम थ्योरी के ऊपर जो रिसर्च करते हुए लोग हैं, वो मेरी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि वाकई डीएनए के अंदर जो कोड्स हैं उसके अंदर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और ये हमारे लाशऊर का हिस्सा है। अब ये लाशऊर, ये सिस्टम है क्या? हमारे पूरे दिमाग में जो हिस्सा मैमल्स को नहीं दिया गया, वो मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, द एरिया इज दिस फ्रंटल लोब, कि जो माथे के पीछे हमारा दिमाग है, किसके बारे में कहते हैं, ये लिटरल थिंकिंग का मैकेनिज्म है जो शख्सियत साजी में किरदार अदा करता है। ये इसकी वजह से हम मैमेलियन से सिग्निफाई हो गए, हम ऊंचे हो गए, और यही है कहीं ना कहीं लाशऊर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का तख्त, मेरा ये बिलीव है कि यहीं कह रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बैठने के लिए, अपने नशिस के लिए कोई ऊंची जगह ही चुननी थी। इंसान के सर में सबसे ऊंचा एरिया यही है, और यही सजदे में जाके टच होता है जमीन पर। तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाइंस बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। आप भी सोच रहे होंगे, आपका जहन चल रहा होगा कि हाँ वाकई ये चीज तो है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो हम इसी फ्रंट, यही माथे के ऊपर अपनी उंगलियों को मसलते हैं, या इसको थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। और ये फ्रंटल लोब है जो 20 इयर्स ऑफ एवरेज में हर ह्यूमन की तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। मैं किसी हवाले से बात कर रहा हूँ, ये मैं खुद बातें नहीं कर रहा। इफ यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट द सबकॉन्शियस डोमेन, तो उसके लिए मैं आपको इस लेक्चर की पहली बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। काइंडली राइट डाउन द नेम ऑफ दिस बुक, ईजिली डाउनलोडेबल है ये गूगल से, और इसका ये इसका जो नाम है, जो टाइटल है, वह है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। Power of Your Subconscious Mind is written by the well-known Irish professor. His name was Dr. Joseph Murphy. Dr. Joseph Murphy पैदा हुए थे आयरलैंड में, लेकिन Americans इनको अपने साथ लेके गए। Divine Sciences और Spiritual Studies में इनका बहुत सारा काम है। Spirituality पे काम किया इन्होंने, और इनकी बहुत सारी मतबूआत हैं, जिसमें ये किताब मैं कहता हूँ बेहतरीन किताब है। 200 pages की है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। It is my humble request कि इस किताब को आप डाउनलोड करें, वर्क इस किताब को पढ़ें। एंड बिलीव मी, लेट मी डू दिस क्लेम, कि आप इस किताब को पढ़ने के दौरान कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी पा लेंगे, किसी एक पेज के ऊपर आपको मिल जाएगी। और इस किताब के कुछ रेफरेंसेस मैं आपको देने लगा हूँ। पहला रेफरेंस, मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं जो अपनी किसी अचीवमेंट से पहले कुछ लोगों को बता दें कि भाई हम ये करने जा रहे हैं जिससे हमें ये अचीव होगा, हमें फला कामयाबी मिलने वाली है, तो किसी तरह वो कामयाबी रुक जाती है। अब मेरे सुनने वालों में से बहुत सारे हाथ खड़े होंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा हमारे साथ होता है, और हमें फिर हमारे एल्डर्स डांटते भी हैं कि और बताओ लोगों को, तुमने लोगों को बताया चूंकि लिहाजा तुम्हारे साथ ये हुआ, ना बताया करो, काम हो जाने के बाद बताया करो। ये सारी मिथ्स आपने सुनी होंगी, राइट? तो इस मिथ में कहीं ना कहीं सदाकत है। होता क्या है कि ये डर हमारे जहन में बैठा हुआ है। जब हम अपनी अचीवमेंट से पहले किसी को कुछ बता देते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में ये बात चली जाती है। सबकॉन्शियस से ये आवाज आने लगती है कि चूंकि तुमने ये बता दिया है लोगों को, लिहाजा अब ये काम में रुकावट आएगी। और बिलीव में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस की पावर उसको नाकाम कर देती है। तो मेरा सवाल ये है कि जो पावर नाकाम कर सकती है, क्या उस पावर से हम कामयाबी वाला काम नहीं ले सकते? तो सुना होगा ना आपने, थिंक पॉजिटिव, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो, बहुत सारे मकूले हैं जो इसमें राइज हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ये बात है। अब ये सबकॉन्शियस है क्या? दूसरा रेफरेंस दे रहा हूँ इस बुक का। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इन्होंने कहा कि इंसान का जो सबकॉन्शियस है उसके कॉन्शियस का 88% है। वो या 12% कॉन्शियस, 88% सबकॉन्शियस, 12% कॉन्शियस के ऊपर इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है। तो क्या ये पॉसिबल है? ये 12% भी आइंस्टाइन का था, तो हम और आपका कितना होगा? 1%, 2%, 2.5%? अरे भाई ये तो जकात है। सोचें आप पूरे जहन की, पूरे दिमाग की जकात यूज करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाजिरी देनी है, तो अभी वक्त है कि इस सबकॉन्शियस से थोड़ा बहुत हिस्सा कॉन्शियस में डाला जाए,
अब ये काम कैसे होगा,